Good evening, students. In the last lecture, we have completed the last chapter, that is life processes, right? We have discussed six type of life processes here. Now, so four we have completed in the first chapter, and now fifth one, that is control and coordination, we have to discuss in the next chapter, chapter 2. Today we are going to start with new chapter, that is control and coordination. ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें स्टार्ट करना है. कुछ जो हमारे क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट टर्न पे या फिर अभी थोड़े दिन बाद में देखते हैं. पहले हम थोड़ा सा पोर्शन कवर कर लेते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पर? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, जैसे अभी तक में हमने क्या बात करी है, बेसिकली बात करी है लाइफ प्रोसेसेस में. पहले न्यूट्रिशन की बात करी, फूड किस तरीके से इनटेक करेंगे, किस तरीके से उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन होगा. सेकंड फिर हमने क्या बात करी, रेस्पिरेशन की बात करी कि इनटेक हुआ या डाइजेस्टेड फूड जो होगा उसको किस तरीके से उस फूड से एनर्जी रिलीज करी जाएगी. देन फर्दर हमने बात करी सर्कुलेशन की. सर्कुलेशन में हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा कि किस तरीके से चाहे एनर्जी हो, चाहे न्यूट्रिएंट्स हो या डिफरेंट सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में है, किस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट होंगे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक या एक सेल से दूसरे सेल तक. ठीक है, फर्दर फिर हमने एक्सक्रीशन देखा कि जितने भी हमारे अनवांटेड वेस्ट मटेरियल्स थे उनको किस तरीके से बॉडी से हम बाहर एक्सक्रीट करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन. तो ये लाइफ प्रोसेसेस हमने अभी तक कवर किए. अब नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, कंट्रोल की अगर हम बात करें तो यानी कि हम यहाँ पर बात करेंगे अपनी बॉडी को या डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करने के बारे में, किस तरीके की हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं या कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं. सेकंड टर्म यहाँ पर आ रहा है कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन का मतलब है दो चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेट करना, यानी कि लाइक अगर हमारी बॉडी में कुछ फंक्शंस परफॉर्म होने हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, लाइक अगर आपको फूड इनटेक करना है. ठीक है, फूड इनटेक करने के लिए क्या करोगे, हैंड्स आप माउथ तक ले जाओगे, जो भी फूड आपने लिया है हैंड के थ्रू माउथ तक ले जाओगे. लेकिन अगर हम यहाँ तक ले आने के बाद में अगर माउथ ओपन नहीं करें तो फूड हमारा इनटेकिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा. यानी कि वहाँ पर दो ऑर्गन्स का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, एक हमारे हैंड में और दूसरा क्या है हमारे माउथ में, ताकि क्या कर सकें, टाइम पे हम फूड इनटेक कर सकें. इसी तरीके से लाइक अभी कोई आप गेम खेलते हो तो गेम खेलने में क्या देखते हो, मान लीजिए कि फुटबॉल प्ले कर रहे हैं. ठीक है, फुटबॉल खेल रहे हैं तो एट द सेम टाइम हमारी आइज जो होती हैं वो एक्टिव होनी चाहिए, ताकि हम उस बॉल को क्या कर सकें, सेम टाइम पर सही समय पर देख सकें. और दूसरा हमारे हैंड्स प्लस हमारे लेग्स जो हैं वो प्रॉपर मोशन में होने चाहिए, ताकि हम सही समय पर फुटबॉल को हिट कर सकें. कहने का मतलब है बॉडी में कितने भी या जो भी तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी है, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारी जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके बीच में कुछ सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, कुछ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम क्या है, कंट्रोलिंग की बात करेंगे. डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल कौन करेगा, बेसिकली यहाँ पर कंट्रोल का काम करेगा ब्रेन. और कोऑर्डिनेशन के लिए हम देखेंगे कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं या डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में होती हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का या सिंक्रोनाइज करने का काम करती हैं. ठीक है, तो हम देख लें कि कोऑर्डिनेशन बेसिकली होता क्या है. ठीक है, अगर हम अपनी बॉडी में कोऑर्डिनेशन की बात करें, कोऑर्डिनेशन तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन डिफरेंट different organs of the body
so that they can perform any specific function. ठीक, यानी कि बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन करना, उनके बीच में एक सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेटेड मैनर में उस उनकी सारी प्रोसेसेस को परफॉर्म करवाने की जो एक्टिविटीज होती हैं वही हमारी क्या कहलाती हैं, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज या फिर कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी कहलाती है. ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जब हम पूरा पोर्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर दो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं कंट्रोल करने के लिए एक्टिविटीज को या कोऑर्डिनेटेड मैनर में उनको परफॉर्म करवाने के लिए. एक हो जाता है बेटा आपका हम लोग कहेंगे नर्वस सिस्टम, जहाँ पर हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और कुछ नर्व्स इन्वॉल्व होंगी. ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सिस्टम होता है जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक्टिविटीज को कराने में रोल प्ले करता है, वो एक केमिकल सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, तो अब यानी कि हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेसिकली टू सिस्टम्स की स्टडी करनी होगी. ठीक है, जैसे आप रेस्पिरेशन के लिए पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन के लिए हमने पूरा पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी तरीके से एक्सक्रीशन की एक्टिविटी में हमने पूरा एक सिस्टम की स्टडी की थी जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम था. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज में दो सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे, एक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम. बट उन सिस्टम्स तक आने से पहले या उनका इंट्रोडक्शन देखने से पहले कुछ और चीज़ें, कुछ टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज जिनकी हमें रिक्वायरमेंट अभी आगे इस चैप्टर में पड़ेगी वो भी हम साथ साथ देखते चलें. ठीक है, तो कुछ टर्म्स जो हमें रिलेटेड हैं इससे, जो हमें ज़रूरत पड़ेगी समझने में वो हम देख लें. एक टर्म आता है बेटा यहाँ पर बार बार आएगा, स्टिमुलस. ठीक है, स्टिमुलस क्या होता है, द चेंजेस इन एनवायरमेंट. ठीक है, एनवायरमेंट में होने वाला कोई चेंज टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस. ठीक है, क्या है, सिंपली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाला कोई भी ऐसा चेंज जिसके लिए ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है, कोई ना कोई एक्टिविटी या उसके लिए कोई ना कोई रिजल्ट शो करता है, वो उस तरीके का चेंज हमारे एनवायरनमेंट में क्या कहलाता है, स्टिमुलस कहलाता है. ठीक है, अब एग्जाम्पल कुछ ले लें किस तरीके के चेंज हो सकते हैं. बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल अगर आप कंसीडर करो, अगर इन्वायरमेंटल चेंज होता है, बाहर का इन्वायरमेंट चेंज होता है, जस्ट सपोज टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, जैसे अभी गर्मियां चल रही हैं तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तो हमारी बॉडी क्या रिएक्शन शो करती है, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, स्वेटिंग होने लगती है बॉडी से, राइट. इसी तरीके से अगर हम बात करें कोल्डर रीजन में या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन जब होता है तो हमारी बॉडी में क्या देखने के लिए मिलता है, शिवरिंग मिलता है. तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, चाहे वो बढ़ रहा हो या घट रहा हो, चेंज इन टेम्परेचर क्या कहलाएगा, स्टिमुलस कहलाएगा. और जो भी रिस्पॉन्स है जैसे कि स्वेटिंग हो गई, शिवरिंग हो गई, वो हो गई हमारी बॉडी की रिस्पॉन्स. ठीक, या इसके अलावा कुछ ऐसे नॉर्मल कॉमन एग्जाम्पल जो आपकी बुक में लिए हैं, एग्जाम्पल टचिंग ऑफ हॉट प्लेट, ये हमारी बुक का एग्जाम्पल है ना. ठीक है, हॉट प्लेट को टच करना क्या हो जाएगा, स्टिमुलस, और हैंड का रिमूवल जब हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रिस्पॉन्स. ठीक, इसके अलावा और क्या हो सकता है, सडनली मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेना है तो अपीयरेंस ऑफ लायन. ठीक है,
कोई भी शेर अचानक से सामने आएगा तो क्या करोगे, वहां पे खड़े नहीं रहोगे, भागोगे, है ना। तो ये भी क्या है, एनवायरनमेंट में या हमारे आसपास होने वाला एक स्टिमुलस है या कोई चेंज है जिसके लिए हमारी बॉडी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स शो करेगी। ठीक है, अब जैसे स्टिमुलस की डेफिनेशन ली है वैसे ही हम देख लें कि रिस्पॉन्स क्या होता है। तो ऑब्वियसली समझ भी रहे होंगे इस चीज को, बहुत सारा हमने ये सारी चीजें पढ़ रखी है। द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी फॉर द स्टिमुलस इज टर्म्ड एज रिस्पॉन्स। यानी कि जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजिंग हुई है या जो भी चेंजिंग हुई है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, कभी कभी चेंजिंग इंटरनल एनवायरनमेंट में भी होती है, टर्म्ड एज रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स शो करती है वो ही क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स। ठीक, एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल टचिंग ऑफ हॉट प्लेट क्या हो गया यहाँ पर, आपका स्टिमुलस हो गया। और अगर हॉट प्लेट छुओगे, कोई भी गर्म चीज सडनली अगर टच कर लोगे तो क्या करोगे, हाथ रखे नहीं रहोगे, हटाओगे ना, तो रिस्पॉन्स में रिमूवल ऑफ हैंड। ठीक, या फिर सडनली अपीयरेंस ऑफ लॉयन, तो हम क्या कर सकते हैं, रनिंग हो सकता है, ज्यादा बहादुर हो तो लड़ भी लेना, नहीं तो रनिंग, या फिर बहुत ज्यादा डर जाना, फियर, और क्या देख सकते हो, और भी जो भी चेंजिंग्स देख सकते हो, लॉयन को देख के भागने के अलावा मुझे नहीं लगता फाइट करने का कुछ सोचोगे। तो फिलहाल ये हो गया हमारा स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ये टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज हमें आगे यूज इनका पड़ेगा जब हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर ले लेते हैं। नेक्स्ट चीज आती है बेटा, टू ऑर्गन्स की हम बात करते हैं यहाँ पर। वन इज रिसेप्टर्स, ठीक है, रिसेप्टर्स की अगर बात करो तो दीज आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स that can detect any information। ठीक है, इतना लंबा छोड़ा जो हमने लेके रखा है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी में इनको लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम कह सकते हैं, देखिए लिखा क्या है, दीज आर स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट एनी इंफॉर्मेशन। यहाँ पर क्या है, कुछ नर्व सेल्स के स्पेशलाइज टिप्स प्रेजेंट होते हैं जो बाहर होने वाले इन्वायरमेंटल चेंजेस को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं या उसको सेंस कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हम रिसेप्टर्स की बात करें तो वी कैन से दीज आर आवर सेंस ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में जितने सेंस ऑर्गन्स हैं ना, 5 सेंस ऑर्गन्स पढ़ते हो, ears, eyes, nose, tongue and skin। ठीक, receptors क्या होते हैं, basically वो organs होते हैं जो बाहर change होने वाले stimulus को receive करते हैं। ठीक है, रिसीव कहाँ से करोगे, तो किसी भी तरीके का मैसेज है हमारी बॉडी में या कुछ भी हमारे आसपास एक्सटर्नल चेंजिंग हुई है, फील कहाँ से करोगे, कहाँ से उसको समझोगे, यही जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं इनमें से किसी एक के थ्रू, है ना। लाइक जैसे हमने एग्जांपल लिया था अभी बॉडी टेम्परेचर का, कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो हमारी बॉडी स्वेटिंग या शिवरिंग टाइप का रिस्पॉन्स शो करती है। तो उस टेम्परेचर में चेंज का फील हम कहाँ से हमें आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन। ठीक है, इसी तरीके से टचिंग ऑफ हॉट प्लेट अगर हमने लिया है एग्जाम्पल में, तो वो हमें कहाँ से आ रहा है, वो भी
स्किन के थ्रू, ठीक है। सडनली देखते हैं कि अगर हमारी आंखों में कोई रोशनी पड़ जाती है तो हमारी आईज जो है वो ब्लिंक करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिस्पॉन्स सॉरी स्टिमुलस को रिसीव हम कहाँ से कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ आईज। यानी कि ऐसा कोई भी ऑर्गन जो स्टिमुलस को रिसीव करने में मदद करेगा वो ही हमारा क्या कहलाएगा, रिसेप्टर कहलाएगा, ठीक है। रिसेप्टर के बाद दूसरे ऑर्गन्स होते हैं बेटा एफेक्टर ऑर्गन्स। नेक्स्ट टर्म यहां पे आता है एफेक्टर्स, ठीक है। ये फोर टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, इस वजह से हम लोग इसको ले रहे हैं। सो इट इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। रुकिए, नर्वस सिस्टम नहीं लेते। इफेक्टर ऑर्गन्स पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, ठीक। यानी इफेक्टर्स क्या है, ऐसे पार्ट्स हमारे बॉडी ऑर्गन्स के, वो पार्ट्स जो रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब जो भी एग्जांपल्स हमने लिया है वहाँ पर रिसेप्टर्स यानी रिसीव करने वाले ऑर्गन्स, जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट में हो रही है उसको रिसीव करने वाले ऑर्गन्स, और उसके लिए जो भी रिस्पॉन्स हो रहा है, जैसे कि स्टिमुलस क्या हो गया, टेम्परेचर में चेंज, और रिस्पॉन्स क्या हो गया, स्वेटिंग या शिवरिंग जो भी है। तो वहाँ पर रिसीविंग और रिस्पॉन्ड वाले जो ऑर्गन हैं वो दोनों ही क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। बाकी जो भी पार्ट या बॉडी ऑर्गन होगा जो कि रिस्पॉन्स करेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा इफेक्टर। एग्जांपल में जैसे एग्जांपल लिया था ना, रिमूवल ऑफ हैंड बाय टचिंग हॉट प्लेट, तो यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन कौन हो जाएगा, हैंड हो जा रहा है, ठीक है। हैंड में भी बेसिकली ले लो तो स्किन्स हो जा रही है, ठीक है। मतलब जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उसके लिए हमारे बॉडी का जो ऑर्गन रिस्पॉन्स शो करता है वो क्या कहलाता है, इफेक्टर। और जो भी उस चेंजिंग एनवायरनमेंट को रिसीव करता है वो क्या कहलाता है, रिसेप्टर, ठीक। इन टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। अभी अब हम आगे बात कर लेते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे, तो बॉडी को कंट्रोल करने के लिए या बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली क्या चाहिए होता है, दो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, और इन सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मेजरली टू पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। थोड़ा सा ये भी देख लीजिए क्या है, नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को टू पार्ट्स में मेजरली डिवाइड करके पढ़ना है। येलो ज्यादा विजिबल होता है तो हम वही ले लेते हैं। यहां पर टू पार्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है, और सेकेंड मेजर डिवीजन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो रोल प्ले करेगा वो हो जाएगा आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं बेटा, तो बेसिकली यहाँ पर हम नर्व्स की बात करेंगे, कितने तरीके की नर्व्स इन्वॉल्व हैं, मेनली ब्रेन की बात करेंगे, और ब्रेन से कनेक्टेड जो भी ऑर्गन्स हैं या जो भी पार्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है वो क्या है, फर्दर हम नर्वस सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं थ्री मेजर पोर्शन में, दैट इज CNS, PNS, विजिबिलिटी है, हाँ है, CNS, PNS एंड ANS, ठीक। फुल फॉर्म ले लें तो वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पहले पूरा डिवीजन ले लेते हैं फिर एक एक पार्ट को सेपरेटली देखेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, और थर्ड पार्ट है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम।
कुछ बुक में हो सकता है आपको ये टू पार्ट्स ही देके रखा हो, सेंट्रल एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल सेपरेटली ना पढ़ाया गया हो। ठीक, फिर से देख लें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को टू पार्ट्स में मेजरली डिवाइड किया है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। फर्दर अब नर्वस सिस्टम को भी हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज CNS, PNS एंड ANS। फर्दर आगे भी इसका सब डिवीजन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम फिर से सब डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, दैट इज वन पार्ट इज ब्रेन एंड सेकेंड पार्ट यहां पर क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। ये डिवीजन किसका है आपका, फर्स्ट वाले का, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ठीक, हमें ये सारी चीजें यहां पर पढ़नी है। थोड़ा सा और इसका सब डिवीजन देख लें, ब्रेन पे आते हैं। ब्रेन को हम और पार्ट्स में सब डिवाइड कर सकते हैं, इनका सब डिवीजन देखेंगे तो फोर ब्रेन को बोलते हैं साइंटिफिकली प्रोजन सेफलॉन। ठीक है, बाकी इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, साइंटिफिकली नाम नहीं देखना है, आपको सिर्फ पार्ट्स पता होने चाहिए। सेकेंड पार्ट हो जाएगा ब्रेन का मिड ब्रेन, दैट इज मीजेंसेफलॉन। ठीक है, और थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, इट इज हाइंड ब्रेन, ऑल्सो टर्म्ड एज रोम्बेंसेफलॉन। ठीक है, सब डिविजन्स बहुत हैं तो प्रॉपरली देखिएगा एक एक। देन फोर ब्रेन को भी हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ पार्ट्स में, दैट इज सेरेब्रम। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका हो जाएगा ऑल्फैक्ट्री, और थर्ड यहां पर हम ले लेते हैं डायनसेफलॉन। डायनसेफलॉन तो आपकी बुक में नहीं दे रखा है, वैसे आपकी बुक में यहां पर जो दे रखा है वो दे के रखा होगा थैलेमस, तो हम डायनसेफलॉन का भी फर्दर सब डिवीजन करके देख लेते हैं। वन सेकेंड, डायनसेफलॉन को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। दीज आर थैलेमस, देन इपीथैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट होगा फोर ब्रेन के थ्री मेजर पार्ट्स होंगे, सेरेब्रम, देन ऑल्फैक्ट्री, और एंड में हमें वहां पर थैलेमस पढ़ा रखा है हमारी बुक के अंदर। ठीक है, देन मिड ब्रेन का कोई भी सब डिवीजन नहीं है, हम आते हैं फिर हाइंड ब्रेन पर। हाइंड ब्रेन की बात करें तो ये भी फर्दर सब डिवाइडेड है, इसका फर्स्ट पार्ट कहलाएगा सेरिबेलम, देन मेड्यूला एंड लास्ट पार्ट इसका पॉन्स। ठीक है, इतना तो सिर्फ हुआ हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम में भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स हैं, वहां पर क्या पढ़ेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो अभी ये जितना डिवीजन लिया ये हमारा ब्रेन के लिए हुआ, नेक्स्ट चीज क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड देखना है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड देखें, स्पाइनल कॉर्ड में हम कोई डिवीजन नहीं देखेंगे, तो बेसिकली CNS यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा। सेकेंड पार्ट क्या है आपका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेटा जितने तरीके की नर्व्स होती हैं बॉडी में उनको इंक्लूड किया जाता है। नर्व्स में हम थ्री टाइप्स की नर्व्स देखेंगे यहाँ पर, चलो थ्री टाइप्स की नर्व्स देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। सबसे पहले स्पाइनल नर्व, ठीक, जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज होंगी वो स्पाइनल नर्व, देन जो ब्रेन से रिलीज होंगी वो क्रेनियल नर्व,
इसके बारे में हम डिटेलिंग लेंगे। और एक होती है जो इंटरनल ऑर्गन तक जाती हैं, वो क्या है? विसरल नर्व। ठीक है, फिर से देख लें, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को फर्दर सब डिवाइड किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना। और ब्रेन को भी फिर हमने फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को आगे सब डिवाइड किया हुआ है सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी एंड आगे हाइपोथैलमस, थैलमस जो भी आपकी बुक में पढ़ा रखा हो। देन मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, मेडुला एंड पॉन्स। ठीक है, फिर हम आते हैं दूसरे टाइप के नर्वस सिस्टम पे, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हर तरीके की जितनी भी नर्व्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, उन हम नर्व्स की बात करते हैं। और नर्व्स क्या हैं? स्पाइनल नर्व होंगी, क्रेनियल नर्व्स होंगी, और यहाँ पर विसरल या फिर मिक्स्ड नर्व्स जिसको कहते हो वो होती हैं। काउंटिंग लिख लेते हैं बिकॉज हमें और कहीं तो कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं है इसके बारे में ज़्यादा। तो क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो 12 पेयर्स प्रेजेंट होती हैं। स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं यहाँ पर, वो ह्यूमन बीइंग की बात अगर हम करें तो 31 पेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब क्या बच रहा है हमारा? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बेसिकली कुछ इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट नर्वस सिस्टम है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, उनकी बात करते हैं यहाँ पर। तो इसको भी हमने फर्दर सब डिवाइड करके रखा है टू पार्ट्स में, दैट इज सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा नर्वस सिस्टम का सब डिवीजन। सेकेंड हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए बात कर रखा था एंडोक्राइन सिस्टम का। एंडोक्राइन सिस्टम का भी डिवीजन तो यहाँ पर नहीं देखेंगे, बेसिकली हम देखेंगे कि कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, तो वो भी यहीं पे कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इनका डिटेलिंग लेके चलेंगे। अब स्पेस तो बची नहीं है बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम नेक्स्ट पेज से लेते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट क्या लिया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का? दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिकली हमें बहुत सारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। और ग्लैंड्स क्या है? कुछ ऐसी सेल्स का ग्रुप है जो कि सिक्रीटरी होती हैं नेचर में, कोई ना कोई केमिकल सिक्रीट करती हैं। बेसिकली यहाँ पर जो केमिकल सिक्रीट होगा उनको हम लोग बोलते हैं वो मैसेंजर होते हैं, कुछ मैसेजेस कन्वे करने का काम करते हैं, तो हम उनको केमिकल मैसेंजर्स या हार्मोन कहते हैं। इसकी भी डिटेलिंग लेंगे, पहले हम देख लें कि हमें यहाँ पर कौन कौन से ग्लैंड्स पढ़ने हैं। तो हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस के बाद पिट्यूटरी। ठीक है, ग्लैंड्स तो वैसे बहुत सारी होंगी बट हमें सारी पढ़ाई नहीं गई हैं। देन हम लोग ले लें थायराइड पढ़ाया है, थायराइड के बिलो हमें पैराथायराइड भी नहीं पढ़ाया, थाइमस भी नहीं। देन नेक्स्ट आपको पैनक्रियास, ठीक है, पैनक्रियास के बाद में हमें पढ़ा रखा है यहाँ पर एड्रिनल। ठीक, एड्रिनल के बाद में दो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि मेल्स में डिफरेंट होंगी और फीमेल्स में डिफरेंट होंगी। मेल्स में जो प्रेजेंट होंगी वो कहलाएंगी टेस्टिस, ठीक, और फीमेल्स में जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी केमिकल सिक्रीशन है उनको सिक्रीट करने वाली जो ग्लैंड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? ओवरीज। ठीक है, तो ये इतनी ग्लैंड्स हमें पढ़नी है। और इसके पहले ये जितना भी हमने ये पूरा डिवीजन लेके रखा है इसके मैक्सिमम पोर्शन कवर करने हैं। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है उसे हम भी डिटेल में नहीं लेंगे, बट ये सारे जितने पार्ट्स देख रहे हैं हम, ये या इसके साथ में जितना भी सब डिवीज़न किया है, इन सारे पार्ट्स के, खासकर ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स का डिफरेंट पार्ट्स का अलग अलग जो भी फंक्शन होगा सेपरेटली हमें स्टडी करनी है कि किस पार्ट का क्या फंक्शन है, इनकी क्या लोकेशन है।
ठीक है, तो नेक्स्ट पे हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंशिएशन कहाँ पर है, दोनों सिस्टम अलग अलग कैसे हैं। इसके बाद हम पहले स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर ये भी है हम लोग का, तो बेस यहीं से बना कर चलिए। चलिए, गुड इवनिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वन पे।